Use Euclid's division algorithm to find the HCF of 255 and 867. बच्चों आपको इसका HCF बताना है Euclid division algorithm यूज करके. ठीक है बेटे, तो आप सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसका HCF पता कर लो इस प्रकार से. ये आपका रफ वर्क होना चाहिए. ठीक है ना. एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन लेमा इसी बात को रिप्रेजेंट करती है, बस यहां लिखने का तरीका बदल जाता है, उसे हम ऐसे लिखते हैं. अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. बच्चों यहां एक जो बड़ा नंबर है उसे हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब इसे आप डिविडेंड मान लीजिए और इसे डिवाइजर. जब आप इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये थ्री टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो इसे ऐसे लिख पाएंगे 867 इज इक्वल टू 225 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 102 बचेगा. जब आप 867 को 2 से डिवाइड 255 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 रिमाइंडर बचेगा. इस बात को ऐसा समझिए बच्चों, जब तक जिस नंबर से रिमाइंडर 0 हो जाएगा वो डिवाइजर, जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 हो जाएगा वो डिवाइजर HCF होगा. अब इसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा हम 102 और 255 में लगाएंगे. अगेन आप देख पा रहे हैं कि 255 को जब हमने 102 से डिवाइड किया तो क्या आया, कुछ इस प्रकार से आया. तो आप 51 रिमाइंडर बचेगा जबकि 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो इसे आप लिख पाएंगे ऐसे 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51. अभी भी देख पा रहे हैं बच्चों रिमाइंडर 0 नहीं आया, 51 आया. अब 51 से 102 को हम डिवाइड करेंगे. अगेन 102 को जब हम 51 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं कितनी बार में डिवाइड हो गया, 2 बार में. तो आप लिख पाएंगे 51 इंटू 2 प्लस 0. इस बार आप देख पा रहे हैं कि 51 से जब हमने 102 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया. तो इसका मतलब जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आ जाता है वही HCF होता है. देयरफोर HCF इज इक्वल टू 51. तो बच्चों जब भी आपसे यूक्लिड डिवीजन पूछा जाए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप 2 नंबर का या 3 नंबर का HCF बताइए, जैसे यहां 2 नंबर का हमें HCF बताना है HCF, तो सबसे पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकाल लीजिए, है ना, डिवाइड कर लीजिए जैसे हम ये निकालते हैं जो आपने छोटी क्लास में सीखा होगा, और इसी को इस फॉर्म में लिखना शुरू कीजिए. जैसे हमने जब फर्स्ट टाइम 867 को 255 से डिवाइड किया, कितनी बार में डिवाइड हुआ, 3 टाइम्स डिवाइड हो गया. तो 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 102. अब फिर से हमें 2 नंबर लेने हैं, कौन कौन से, 255, जैसे यहां हमने लिया 255 और 867. अब अगेन हम ये लेंगे 255 और 102. तो जब हम 255 को 102 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 51. इसे हमने फिर से यहां ऐसे लिख लिया 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51. फिर इसके बाद अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 51 से 102 को डिवाइड करेंगे, 51 से 102 को डिवाइड किया, 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, इस बार रिमाइंडर 0 आ गया, है ना. तो 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, HCF इज इक्वल टू 51, और ये आपका आंसर है बच्चों.